ये तो भैया उन्हें प्रेम प्रस्ताव देने के बाद ही पता चलेगा। आपको पता है आपकी जीजा जी यानी हमारी स्वामी जो कि परम ज्ञानी है, अत्यंत शक्तिशाली है, अत्यंत क्या है, जो कि अत्यंत शक्तिशाली है, महाबलशाली है, अत्यंत ज्ञानी है, अति ज्ञानी है। ठीक है ठीक है दीदी, ठीक है समझ गए, आगे तो बताइए उनका क्या हुआ। वो अत्यंत ज्ञानी हमारे स्वामी वो हमें चांद पे लेकर गए थे और वहीं पे प्रेम प्रस्ताव दिया था। अरे ये इतना फेंका करो दीदी जितना कि मामा जी लपेट सके। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अभी अभी क्या कभी किसी को ऐसे प्रस्ताव दिया नहीं ना प्रेम का, तो कैसे दें क्या करें कुछ समझ में नहीं आता दीदी। कैसे दें? अरे हम बताते हैं भैया जी, हमने बहुत पिक्चर देखी है और इस मामले में एक ही गुरु जी है। हाँ सर आपने लाइन लीजिएगा, फिर इसके बाद वो हाथ फैला रहे वो सब तुरंत बाद वही ले लें। अरे हम बताते हैं भैया जी, हमने बहुत पिक्चरें देखी हैं और इस मामले में एक ही गुरु जी काम आते हैं। हाथ फैला रहे वो अभी और फैलाइए भैया, और थोड़ा थोड़ा पीछे हटके, हाँ थोड़ा और फैलाइए, अरे इंसानों के हाथ दीदी ज्यादा नहीं फैल सकते। ठीक है क्या? हाँ ठीक है, तो अब बोल दीजिए। आई लव यू परंपरा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया। सर इसके बाद खड़े हो मामा जी के लर जाते हैं उनको आने में देखे। इसके बाद मैं क्या बोलती हूँ, इसके बाद ये पकड़ूंगा। ये तो है भैया, देने के बाद ही पता चलेगा। चलो पर आगे क्या लोग देना उधर रोके। दीदी भैया आत्मा फड़फड़ाने लगती है, जड़बड़ा जवान लड़खड़ाने लगती है, मामा जी लरज जाते हैं उनकी आंखों में देख के कि नमस्ते करे तो कैसे करें, पर आप कह रही हैं कि हम उन्हें प्रेम कर प्रेम का प्रस्ताव रखें कैसे। अब भैया ये सब तो उन्हें प्रेम प्रस्ताव देने के बाद ही पता चलेगा। आपको पता है आपकी जीजा जी यानी हमारी स्वामी, अब ये तो भैया वन सेकंड सॉरी ये सब तो भैया उन्हें प्रेम प्रस्ताव देने के बाद ही पता चलेगा। आपको पता है आपकी जीजा जी यानी हमारे स्वामी जो कि अति ज्ञानी है, अति बलशाली है, महाबलशाली है, अत्यंत अद्भुत है, अति अद्भुत हमारे स्वामी। अरे दीदी, जो अति बलशाली हमारे स्वामी है ना, वो हमें चांद पे लेकर गए थे और वहीं पे प्रेम प्रस्ताव दिया था। पूरी लाइन लीजिए बस। आडा साइलेंस। हाँ लाइन से मैं अति अद्भुत हमारे स्वामी आपकी जीजा जी हमें चांद पे घुमाने लेकर गए थे और वहीं पे प्रेम प्रस्ताव दिया था। अरे दीदी हम आपकी बात समझ रहे हैं लेकिन उतनी फेंकी जितना लपेट सके, हमने आज तक ये किया नहीं है, अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे दें प्रेम प्रस्ताव। तो लोग बोलते हैं भैया जी हम बताते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं और इस विषय में एक गुरु जी काम आते हैं। तो इसके बाद बता रहे हैं कुछ चल रहा है। गुरु जी काम आते हैं यहाँ पे बता रहा है। अभी और मेरा लाइन नहीं। हवा आ रहा है, हवा बोले बोले और फैलाइए
और फैलाइए, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, और ऐसे ठीक है? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और, और हाँ थोड़ा और बोल रहे हैं ना, थोड़ा और, और अरे अरे हाँ थोड़ा और करिए ना भैया। और दीदी बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इंसानों के हाथ में। ठीक है हाँ हाँ ठीक है बोलिए। आई लव यू परंपरा। हाँ फिर इसके बाद ढोलक किधर खड़ा है? ढोलक बोलता है उसका भी इंतजाम हो जाएगा भैया जी, हमने पता किया है। वो शाम को 5 बजे ट्यूशन से फ्री होकर के अकेले घर जाती हैं। बस अब सिर्फ और सिर्फ भैया जी की होगी परंपरा। परंपरा काफी वो अपने प्यार में डूबे हुए थे, गाना गा रहे थे और आप उनका भी हौसला अफजाई कर रहे थे या मजा ले रहे थे, कैसा लग रहा था फिर ये? तो नहीं एक्चुअली मैं चाह तो रही थी कि मैं उसका हौसला अफजाई करूं, पर एक्चुअली मुझे इतना ज्ञान नहीं है पृथ्वी का, तो इसलिए मैं जो भी करती हूँ थोड़ा उल्टा पड़ जाता है और वो देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मजाक उड़ा रही हूँ, पर दिल से मेरा दिल बहुत साफ है, मैं दिल से हौसला ही अफजाई करना चाह रही हूँ। और कभी कभी मैं अच्छी बात भी बोल देती हूँ, जैसे मैंने बोला कि खुद जाके एक बार बात करो, पर मुझे पता नहीं कि इससे क्या हो सकता है, एक्चुअली जेन्युइनली भी मुझे नहीं पता कि एक्चुअली इससे क्या हो सकता है, पर मैं एडवाइस दे देती हूँ। आपको जैसा कहा कि यम जी का ऐसे प्रपोज किए और इस तरह प्रेम प्रदर्शित किए, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कैसे प्रपोज किए वो कुछ अपने दर्शकों को इसके माध्यम से बताइए। वैसे वो मैं चांद पे लेकर गए थे मुझे और वहीं पे जाके प्रेम निवेदन किया था, तो वो तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग कोशिश करेंगे आगे विस्तार में बताने के लिए, क्योंकि वो तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि हम चांद पे जाके प्रपोज किया था, तो मैंने उतना ही बता दिया। देखिए मैं दिल पे कुछ भी नहीं रखती हूँ। तो ये जैसे गीत संगीत पृथ्वी लोक का जो गीत संगीत इस सीरियल में है, और क्या कभी यम जी ने भी आपको गीत संगीत सुनाया है? नहीं एक्चुअली मुझे गाना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो वो जो गा रहे थे मुझे लग तो रहा था थोड़ा बेसुरा, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था, पर मुझे अच्छा भी लग रहा था, तो मैं बहुत खुशी से और बहुत मज़े मज़े से सुन रही थी। और आगे किस तरह का देखने को मिलेगा दर्शकों को आपसे? आगे बहुत ही कुछ देखने को मिलेगा। एक्चुअली जो भी हो रहा है वो ऐसी चीज़ें ना मेरे साथ कभी हुआ है और ना मैं चाहूँगी कि मेरे आसपास किसी के साथ हो, जैसे मैं गोली खिला रही के बदले में मैं बंदूक की गोली खिला रही थी और ऐसा कुछ, और मैं बोल भी रही थी कि इस यंत्र से इतनी तीव्र गति से ये गोली निकलेगी कि आपको पानी की भी आवश्यकता नहीं होगी, मतलब स्ट्रेट बंदूक से पेट में गोली चला जाएगा। तो ऐसी घटनाएं हो रही है अगर, तो मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसी घटनाएं रियल लाइफ में किसी के साथ हो, पर हाँ ऐसे कई सारे घटना देखने को मिलेगा एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लगे, बिकॉज I'm doing my level best. Okay, well, thank you. Thank you so much.